اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يتيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ये सुर बकरा की आयत नंबर एक सौ तिरासी और उसके बाद की एक आयत मैंने आपके सामने तलावत की है ये रोज़े से मुतालिक कुरान मजीद की उतरने वाली सबसे पहली आयतें हैं इन आयतों के बाद तकरीबन एक साल के अंदर बकिया आयतें भी नादिल हुई जो इसके बाद इंशाल्लाह आपके सामने उसको भी पेश कर दूँगा फरमाया जा रहा है कि अ वो लोगों जो ईमान लाए हो तुम पर रोज़े फ़र्द किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्द किए गए थे शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ दो बातें इस आयत में बताई गई एक तो ये कि रोज़ा पहली बार हज़रत महम्मदली के ज़रिए फ़र्द नहीं कराया गया बल्कि अल्लाह के दिन में ये फर्दियत हमेशा से रही है अल्लाह के दीन में तमाम बुनियादी बातें हमेशा हज़रत आदम से ले करके हज़रत मोहम्मद तक एक जैसी ही रही हैं सिर्फ़ उसके अमल में थोड़ा सा फ़र्क रहा है उसकी अदायगी में उसके वक्त में उसकी क्वांटिटी में और क्वालिटी में फ़र्क भले रहा हो लेकिन असल दीन हमेशा से एक रहा है रोज़ा इसको तकवा की कुंजी कहा गया है यहाँ पर यानी इस रोज़े से इंसान के मुतकी और परहेजगार होने का बहुत ज़्यादा चांस है तो जाहिर है कि ये ज़रूरत हमेशा के लोगों के लिए है तो इसलिए इसको हमेशा फर्द किया गया तो दूसरी बात इसमें तकवा से मतलब है तकवा इंसान के अंदर पैदा होने वाली उस क्वालिटी का नाम है जिसकी वजह से जब भी कुछ करना चाहे बंदा तो उसे ये फिक्र हो कि उसके रब की मर्ज़ी क्या है या उसके अंदर तकवे की जो क्वालिटी है वो उसको हर गलत और सही पर तंबीह करें सही बात हो तो उसे तसल्ली दे और जब कोई गलत हो तो उसको तंबीह करे ये एक एंटी वायरस की मानंद है जो हम अपने कंप्यूटर वग़ैरह में डालते हैं जो बजाहिर नज़र नहीं आता इसी तरह से तकवा भी इसकी कोई जाहिर नहीं है यानी टोपी दाढ़ी हाथ में तस्बी नमाज वग़ैरह ये नेकी के अमल तो हैं लेकिन इसकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान वाकई मुतकी और परहेज़गार ही है मुमकिन है कि वो उसकी आड़ में फ्राड कर रहा हो इसलिए ये नज़र ना आने वाली चीज़ है ये इंसान के अंदर होती है और इंसान को वो एक्टिवेट रखती है अच्छा करने के लिए उसके मामलत सही होते हैं इबादात के साथ साथ मामलात भी सही होते हैं उसकी बातचीत सही होती है झगड़ों में उसकी ज़बान से गालियाँ नहीं निकलती ये सारी चीज़ें होती हैं तो कंप्यूटर में हमारा जो एंटीवायरस होता है वो नज़र तो नहीं आता लेकिन अगर कोई भी नई चीज़ दाखिल होती है कंप्यूटर में जिसको वो एंटी वायरस पहचान नहीं रहा होता है तो फ़ौर वो उसको रोकने की कोशिश करता है आपको मैसेज देगा नोटिफिकेशन भेजेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो जब तकवा पैदा हो जाता है तो वो भी यही काम करता है कुछ भी आप गलत करेंगे कोई विदात शुरू कर देंगे कोई बुरा काम करेंगे कोई गलत चीज़ शुरू करने वाले हैं तो अंदर से वो आपको एहसास दिलाएगा कि आप सही नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा तोज्जो दीजिए फिर फरमाया गया है कि अयामम मादूदात ये गिनती के चंद ही दिन हैं ये दिलजोई के लिए अल्लाह ताला ने इस बात को कहा है क्योंकि दिन भर भूखा प्यासा रहना जाहिर है कि एक मुश्किल अमल है तो अब इस मुश्किल अमल को बंदे के अंदर उतारना है उससे मोहब्बत पैदा करवानी है तो उसको कहा गया कि घबराने की बात नहीं इसका जो फ़ायदा है उसके देखते हुए देखा जाए तो ये बहुत कम है ये चंद दिन की मशक्क़त है उसके बाद इसका जो फ़ायदा मिलने वाला है उस फ़ायदे के नतीजे में जो फ़ाइनल रिज़ल्ट जन्नत की शक्ल में मिलेगा वो बहुत बड़ी चीज़ है तो वही यहाँ कहा गया फमन काना सफर इन मिन को मरीदन ओवाल सफ़र इन फ़द्दतुमिनमिन उखर अलबत इन तमाम अहमियत के बावजूद अगर कोई शख्स मरीज हो मरस की कोई कैटेगरी नहीं बताई गई है ना कोई उसका स्टैंडर्ड बताया गया है कि कितने डिग्री का बुखार हो कितनी कितनी चोट हो ये नहीं मरस का ताल्लुक तमाम तर मरीज से है मरीज़ खुद तय करेगा कि उसे रोज़ा रखना है या नहीं रखना है वो रोज़ा रख सकता है कि नहीं रख सकता है इसमें किसी डॉक्टर किसी फ़कीह की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कुरान मजीद ने कोई हदबंदी इस मसले में नहीं की है क्योंकि की नहीं जा सकती एक ही मर्द हमको निढ़ाल कर सकता है हो सकता है आपको वो असर ही ना करे एक ही मर्द में कुछ लोग चल फिर सकते हैं कुछ लोग चारपाई भी पड़ जाते हैं तो मर्द की कैफियत खुद बंदा तय करेगा अगर वो रख सकता है तो रखे नहीं रख सकता है तो रोज़ाना रखे बक्शिया दिनों में उसकी तादाद पूरी करेगा जैसा कि आगे बात आ रही है वाला सफ़र या सफ़र पर कोई हो यानी मुसाफिर भी अगर कोई है तो जाहिर है सफ़र भी परेशानी का एक सबब है मरज भी एक सबब है सफ़र भी एक एक सबब है गोया परेशानी में रोज़ा अल्लाह ताला ने छूट दी है कि उस वक्त ना रखे उसको बाद में पूरा कर ले यही वजह है कि इसकी रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे फुका ने बताया है कि अगर कोई बूढ़ा शख्स है या कोई हामिला है इसके पेट में बच्चा हो या कोई दूध पिलाने वाली माँ हो जाहिर है कि वो बारह तेरह घंटे अगर थूख तो प्यास से रहेगी तो फिर दूध बनना मुश्किल होगा फिर बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए भी छूट है कि वो रोज़ा नहीं रखेगी बाकी दिनों में उसको पूरा कर लेगी और क्या तफसील है आगे देखिए वाली युतिकूनफीतम उमकिन और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों और रोज़ा न रखें तो उनके लिए एक मस्किन का खाना खिलाना है मरस की वजह से किसी ने रोज़ा छोड़ा सफ़र की वजह से किसी ने रोज़ा छोड़ा हमल की वजह से या और किसी ख़ास वजह से अगर किसी ने रोज़ा छोड़ा तो ज़ाहिर है कि उसको बाद में भरना है इब्तदाई अहकाम में ये इजाज़त दी गई थी कि भरने की ताकत है यानी बाद में हम भर सकते थे लेकिन हमको ये छूट थी कि आप चाहें तो रोज़े के अवज़ एक रोज़े के बाद एक मिसकीन को खाना खिला करके आप बरी हो जाए फिदिया वही है जो हम फितर के नाम पर देते हैं हमारे यहाँ दो किलो दो सौ ग्राम गुंदुम दिया जाता है या उसकी कीमत दी जाती है तो ये फ़िदिया आप किसी गरीब को या भरपेट खाना खिला करके जो आप खुद खाते हों वो एक रोज़े के बदले तो वही पहले शुरुआती अयाम में ये इजाज़त दी गई थी कि रोज़ा रखने की ताकत हो और ना रखें तो वो मिसकिन को खाना खिला करके फुर्सत ले लें फमन ततवा ख़ैरन फवा ख़ैरुल्ला अलबत् मिसकिन को खाना खिलाते वक्त अगर मजीद कुछ भलाई कर दे तो और बेहतर है यानी एक को बजाय दो को खिला दे या दो वक्त खिला दे व अन तस्म व खैरालकुम इनकुन तुम तमाम फिर कहा जा रहा है लेकिन चूँकि रोज़ा रखना ज़्यादा मुफीद है तखबा के लिए तो अगर कोई रोज़ा रखे तो ज़्यादा बेहतर है यानी वो रोज़ा ही रखे वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुझे इसका इल्म है तो तो ये इब्तदाई ज़माने की बातें थी जो मैंने कर दी अब इसको मज़ीद वाज़े और एकदम फ़ाइनल कर दिया गया है आगे की आयत में फ़रमाया जा रहा है शाहर व रमज़ान लदीअन ज़िला फ़ील क़ुरान व वबैनात मिनल हदाबुल रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नादिल किया गया जो लोगों के लिए नाश लोगों के लिए इंसानों के लिए हिदायत की किताब है व बीनात मनहुदा बलफुरान और जिसमें हदायत की और हकोबातल में फ़र्क करने की तमाम खुली खुली निशानियाँ दलीलें और बातें हैं कुरान मजीद के हकूक़ कुरान मजीद के मकसद पर मैंने एक बाकायदा पूरा लेक्चर चालीस पैंतालीस मिनट का दिया है जो आपको यूट्यूब पर वाई टू अंडरस्टैंड कुरान एंड हाउ टू रीड के नाम से मिल जाएगा तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं डिस्क्रप्सन में लिंक भी डाल देता हूँ तो कुरान का नजूल इस महीने में हुआ फमन शहीद अमिन को मुश्शाफल यासुम हो तो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो घर पर हो तो वह इसका रोज़ा रखे मन काना मरीदन सफ़र सफ़रन फ़ैद तुमिन अयामिन उखर और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में उसकी तादाद पूरी कर ले जितना मर्ज़ और सफ़र की वजह से रोज़ा छोड़ा है उतनी ही गिनती वो तो बाद में पूरी कर ले यूरीदुल्लाह बेकुमल युसरा वाला यूरदबल्यसर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं वो तुम्हारे साथ तंगी नहीं चाहता तुमको मशक्क़त में डालना नहीं चाहता यानी ये जो रियायत दी गई है ये नहायत हमत भरी रियायत है और इसलिए है कि बंदे को परेशानी अल्लाह वल्ल अपने बंदों का कितना ख्याल रखते हैं ये आप समझ सकते हैं ये तो हम लोग हैं कि कोई ना कोई शक्ल लगा करके अल्लाह ताला की दी हुई रियायत को महदूद करने या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए तो वही बात यहाँ कही गई कि अल्लाह ताला आसानी चाहते हैं यानी आसानी के साथ तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाए और रोज़ा भी पूरा हो जाए तुम्हारा सफर भी गुज़र जाए रोज़ा भी पूरा हो जाए तुम्हारा मर्द भी ख़त्म हो जाए रोज़ा भी पूरा हो जाए लेकिन यहाँ बात नहीं कही गई कि जो रोज़े रोज़ा रखने की ताकत रखते हो वो फितिया का खिला के छोड़ दें यहाँ नहीं कहेगी लेकिन मुफसरीन ने और फका ने ये बात बताई है कि मरीज और मुसाफिर अगर ठीक ठाक हो जाते हैं यानी मुसाफिर सफ़र से लौट के आता है ठीक ठाक है मरस से ठीक होने के बाद आदमी ठीक ठाक है ताकत है उसके अंदर तो वो रोज़ा रखेगा अलबत् बूढ़ा आदमी जो ज़ीफ़ हो गया अब उसके जवान होने की कोई शक्ल नहीं है तो उसके लिए फितिया ही है इसी तरह से हामिला औरत जो रही है वो भी अगर बाद में फितिया दे ले रखना चाहे रख ले कोई हरज की बात नहीं लेकिन बाद में वो फितिया के जरिए से ही अपने रोज़े को रोज़े को पूरा कर सकती है इसी तरह से दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए भी ये इजाज़त है कि वो फितिया दे करके अपने रोज़े से जिम्मा हो सकती हैं और अगर रख लें तो बहुत अच्छी बात है जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है वाल तकमेदत वालबरूल हदाकुम वलाकुम तस्करून अल्लाह ताली ने ये जो रियायतें दी हैं और जो आसान राहें बताई हैं वो इस वजह से बताई हैं ताकि तुम तादाद को पूरी कर सको और अल्लाह की बड़ाई बयान कर सको जो अल्लाह ने हिदायत की है जो रहनुमाई की है जो रास्ता बताया है वला कम और इसी तरह से तुम शिक्रगुज़ार भी बन जाओगे शुक्र अदा करने वाले भी बन जाओगे जाहिर है कि जब हमको एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने कितना कर्म किया है कि वह तमाम तरफ और इख्तियार के बावजूद वो ये नहीं कहा कि तुम मरो चाहे जियो रोज़ा रखना है उसने पूरी रियायत दी कि नहीं परेशानी है मत रखो बाद में रख लेना तो बंदा शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला एक बंदे को शाकिर बंदा बनाना चाहता है कि वो शुक्र अदा करने वाला बने व इज़ा सा का इबादी अन्य फ़न्नी करीब वजीब दावतद्दाई ज़्यादा फ़लजस्तजीबली वलुमिनबी लहम य एक नए टाइप की बात है कि अए नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें यानी बात कैसे सुनता है बात कैसे मानता है दुआएं कैसे कबूल करता है कैसे हम अपनी बात उसके सामने पेश करें कहाँ अगरबत्ती सुलगानी है कहाँ मोमबत्ती सुलगानी है कहाँ चादर चढ़ानी है कहाँ सर टिकाना है क्या करें कैसे अल्लाह ताला को अपनी बात पहुंचाएं किसका वसीला लेना है किसका दामन थामना है तो आए नबी इस तरह के जितने भी आते हैं लोगों के उनको दूर करिए और कहिए कि फ़ाइन नहीं करीब मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ कुरान मजीद में इस गुरबत का जिक्र एक जगह दूसरे अंदाज़ से कहा गया है कि नाहन मिन अलही वरीद कि हम अपने बंदे से उसकी शह रग से भी ज़्यादा करीब है शह रग जो हमारी मेन रग होती है गले में उससे भी ज़्यादा हम बंदे के करीब होते हैं जो जो इतना करीब है वो अपने बंदे की दरख्वास्त सुनने के लिए कि, किसी का मोहताज मुझ, हो सकता है जो हमको लोग बताते हैं यानी लोगों को बताया जाता है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग फ़लाँ पीर फ़लाँ लोगों के ताल्लुक़ से ही अब अल्लाह से अपनी बात कह सकते हैं डायरेक्ट आप नहीं तो कह सकते दुनिया में आप अधिकारी से डायरेक्ट कहाँ मिल पाते हैं तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है लईसा का मिसल ही शही अल्लाह की मिसल कोई नहीं है अल्लाह ताला की कोई तमसील नहीं बनाई जा सकती है अल्लाह ताला को किसी के ज़रिए से समझाने की कोशिश करना ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है हमें इससे बचना चाहिए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे कहिए कि मैं उनके करीब हूँ वजीब दावत दाई दाइज़ादान और मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो पुकारता है फल यस्तजीबोली लिहाजा वो मेरा हुक्म माने मेरी बात माने भागे ना अगर अगरबत्ती मोमबत्ती ले करके बल्कि मेरी बात माने वालुबी और मुझ पर यकीन रखें यानी जो मैंने बात कही है तो ऐसा नहीं है कि, कि किसी के वर्गलाने में ना आए कि हमारी बात अल्लाह नहीं सुनेगा बिल्कुल सुनेगा आप अपनी बात रखेंशुद्दून इस तरह से शायद कि तुम ठीक ठाक रास्ते पर रहोगे वरना लोग गुमराह हो जाएंगे और लोगों ने गुमराह कर रखा है अपने पेट के लिए अपने कमाई के लिए लोगों को बहका के ले आते हैं तो क़ुरान मजीद हमारे लिए हिदायत किताब है हमें इसी से हिदायत लेनी चाहिए वहीकूमल तफ़िया में रफ़िलसायकम तुम्हारे लिए हलाल किया गया है रोज़े की रातों में बीवियों से मुबाशरत करना हन्ना लिबासम व तुम लिबास वो तुम्हारे लिए लिबास की तरह से हैं और तुम उनके लिए लिबास की तरह से हो जैसे लिबास बदन से अलग नहीं हो सकता और चिपका रहता है उसी तरह से मियाँ बीवी का ताल्लुक और रिश्ता है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता तो रातों में इसकी पूरी इजाज़त है कि आप मियाँ बीवी का जो काम है वो कर सकते हैं सेक्स कर सकते हैं यहाँ ये यह सवाल उठ सकता है कि अगर हमने मुशरत की है रात में तो फिर जाहिर है कि रात में नहाना मुश्किल है सुबह फ़जर की नमाज़ छूट जाएगी और फिर सुबह देर में उठेंगे तो रोज़ा भी शुरू हो जाएगा तो कहीं रोज़े पर कोई असर न पड़े तो आप बिल्कुल मतम रहें कि जनाबत से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता जब आपकी मर्जी हो नहा धो कर के अपनी नमाज की कज़ा कर लें आलमल्लाकुम कन तुम तख़्तान फ़सक़म फ़ताब आल कम व फ़ानकुम और अल्लाह अल्ला ने जान लिया है कि तुम में से बाज़ लोग अपने आप से ख़यानत कर रहे थे तो उसने तुम्हारी तोबा कबूल की और तुमको माफ़ किया है फल आना बाशरू हन्ना तो अब तुम उनसे मुबाशरत करो यानी अपनी बीवियों से वब तगो और तलब करो माँ का तबल्लाकम जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद वगैरह यहाँ असल में उस उस कैफियत की तरफ इशारा है कि जब ये आयत नहीं उतरी थी तो उससे पहले मुसलमान रोज़ा रखना शुरू कर दिए थे मैंने बताया कि चंद आयतें पहले आ गई थी फिर साल भर के बाद आई तो पहले वाली आयत के बाद से रोज़े फ़र्द हो गए तो लोग रोज़ा रखने लगे तो अब ये तशवीश थी कि यार रात में सेक्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता तो एक मसला था अच्छा पुराने जो लोग थे यानी यहूदी और ईसाई जो थे उनका रोज़ा कुछ अलग ही टाइप का था तो अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई हकीकत है तो कुछ लोग जो है अपने हिसाब से सोच करके भाई रात में खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं तो उन्होंने सेक्स भी कर लिया लेकिन शक और तजबज़ुब में रहे तो इस्लाम में शक की कोई गुंजाइश नहीं शक को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता आप शक को दूर करिए शक का रोज़ा आप नहीं रह सकते यानी रोज चाँद निकला है कि नहीं निकला चलो यार रख ही लेते हैं तो रोज़ा नहीं माना जाएगा तो शक को दूर करना बहुत ज़रूरी है इस्लाम में तो चूँकि वो शक में थे कि सही है कि नहीं सही है इजाज़त है कि नहीं जाए तो उसके बाद भी उन्होंने वो काम किया तो जो उनका मैार था साहब कराम की जो पर्सनालिटी है उनकी जो अहमियत है उस पर तो ये ठीक नहीं था तो अल्लाह ताला ने वही कहा कि अपने आप से आप खयानत कर रहे थे ये ठीक नहीं कर रहे थे बहरहाल ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि नाकाबिले माफ़ी हो तो बहरहाल हम इसको माफ़ करते हैं और आपको ये इजाज़त देते हैं कि आप आ, रातों में अपनी बीवियों के साथ जो चाहें करें वकुलू कुलू और खाएँ और पिएँ यानी वो भी करें खाएँ भी पिए भी हत्ता या खैतुल अबयस यहाँ तक कि वाजे हो जाए तुम्हारे लिए सफ़ेद धारी मिन मिनल ख़ैतिल असवद काली धारी से यानी रात में जो आसमान पर उस ज़माने में घड़ी तो थी नहीं आसमान देख करके ही लोग रोज़ा रखते थे तोड़ते थे काफ़ी फ़र्क हो जाता था कोई बहुत ज़्यादा देर कर लेता था कोई थोड़ा पहले भी कर लेता था तो वो कोई वहाँ मसला नहीं था तो मसला अब हमारे यहाँ हो गया कि लोग घड़ी से करते हैं दस पाँच मिनट थोड़ा कोई ताखिर कर देता है तो लोग मुत्ली और परहेजगार बनने लगते हैं है, कि देखिए हम जैसे ही सूरज डूबता वैसे ही अदान कर देते हैं भाई जंतरी की मदद से हम करते हैं जंतरी भी ऑलरेडी पाँच दस मिनट एक्स्ट्रा करके बनाई ही जाती है वो भी इंसानों का काम है अगर कोई दो चार मिनट और एहतियात कर लेता है तो ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन हमारे यहाँ एक इशू बन जाता है क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो लोगों के नज़र में ज़्यादा मतकी नजर आए उसका मामला अल्लाह से कम होता है दुनिया के लोगों से ज़्यादा होता है तो इस तरह से आप रात भर खाएँ सुबह सादिक तक सुम्मा शुमा आतिमस्याम इल फिर रोज़े को रात तक पूरा करो यानी सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक सूरज जैसे ही डूबता है रात शुरू हो जाती है तो वही रात तक बोला तुबाशरून्ना वान तुम आ के फू न फिलमसाजिद और जिस वक्त तुम मस्जिदों में एहतिक कर रहे हो उस वक्त तो अपनी बीवी से मुबाशरत नहीं करोगे इससे एक तो चीज़ ये पता चली कि मस्जिद में एहतिक ज़रूरी है मर्दों के लिए औरतें तो अपने घरों में कर लें जहाँ पर वो नमाज वगैरह पढ़ती हैं एक गोशा कर सकती हैं कोई हर्ज की बात नहीं है बाद कहेंगे कि नहीं लेकिन ऐसा नहीं है औरतों के लिए पूरी गुंजाइश है घरों में मर्दों के लिए है कि वो मस्जिद में करें और इस हालत में बीवियों से किसी तरह का ताल्लुक नहीं रखा जा सकता अब हम हमारे ज़माने में तो मस्जिद से हमारे घर बड़े दूर होते हैं कोई कंटेक्ट नहीं हो सकता उस ज़माने में ऐसा था अब जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मकानात सारे बीवियों के घर के दरवाज़े मस्जिद नबीवी में खुलते थे तो वहीं रहते थे वहीं अपना बातचीत होती थी तो अल्लाह ताली ने उसी को मद्देनज़र नज़र रख करके ये पाबंदी लगाई कि मस्जिद में रह करके किसी तरह का ताल्लुक नहीं होगा तिल का हदूदुल्ल ही फ़ला तकरबू है यह अल्लाह की हदें हैं इनके करीब न जाओ यानी बाउंड्री के करीब भी जाओगे तो मुमकिन है कि आप फिसल के आगे जा सकते हो इसलिए इसे करीबी मत जाओ दूर रहो कदा लूबीनल्ला आयात ही लन्नासी लुमकूल इस तरह से अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए खोल करके बयान करता है शायद कि वो परहेजगार बन जाएं। आखिरी आयत है जो थोड़ा सा हटके है वला ताकुलु वाला बैनकुम बिल बातिल और तुम आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से गलत तरीक़े से न खाओ नास बिल इस्म वन तुम तालमून और ना अदालत में ले जाओ कचहरी में ले जाओ तहसील में ले जाओ यानी हुक्काम के पास भी न ले जाओ कि किसी तरह से लोगों के माल तुम्हें खाने को मिल जाए गलत तरीके से वान तुम तमाम हालाँकि तुझे पता है हमारे यहाँ जो केसेस चलते हैं तहसीलों वगैरह में उनमें अक्सर केसेस में यह है कि एक फरीक़ को पता होता है कि वो बेईमान है वो गलत कर रहा है ज़बरदस्ती कर रहा है लेकिन वो लड़ रहा होता है चूँकि दुनियादारी छाई हुई होती है आखिर तक तो तस्वुर कमज़ोर होता है तो कुछ लोग होते हैं तो वो तज्जुब में रहते हैं दोनों फरीक़ कि यार मेरा है कि मेरा है तो वो तो ठीक है लड़ें अदालत जो फैसला करेगी तो देखिए यहाँ भी उस नफसियात का उस तरह के मरीजों का जिक्र कर दिया गया है चूँकि परहेजगार बनना है परहेजगारी में नफ्स का तस्किया भी ज़रूरी है जो अल्लाह रोजे के तलु से बता दिया माल जो हमारी ज़िंदगी का लाजमी जूज है उसके तल्लु से भी एक बुनियादी बात बता दी अल्लाह से जो हमारा रिश्ता है उसके बारे में भी एक बुनियादी बात अल्लाह ताली ने बता करके गोया कि हर तरह से हमको प्योरीफाई करने का पूरा सिस्टम बता दिया है ये चंद बातें थी रोज़े के ताल्लुक से इन बाकी नई बातें हम अगले दर्स में आपके सामने पेश करेंगे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी तरमाए बदावानदिल् रबाली असल वरम्ब वर्का